और जो उन्होंने बताया वो डरावना, मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा बहुत पीड़ा के साथ कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछें रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं और उनके सामूहिक रूप से चार चार लोगों की हत्या होती है। ये सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा? उनके घर का कमाने वाला चला गया है। अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई बहुत अच्छी जो है बात परिवार से नहीं की। क्रिमिनेशन का जो राइट है उनका, उसको जो है बाधित करने काम किया गया कि भाई यहीं से जो है मोर्चरी से सीधे जो है शमशान घाट ले चलो। जिस तरह से परिवार पर रात लाठीचार्ज हुआ, एक 13 साल की बेटी है, उसके साथ जिस तरह का दुर्भावना करके जो है उसके साथ जो है अपमानजनक रवैया किया गया, जो परिवार ने बताया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये किसी गांव में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर बात, जब यहाँ ये हाल है तो मेरी ये बात क्यों ना सत्य हो कि दलितों की जान दाल से भी ज्यादा सस्ती जो है उत्तर प्रदेश में हो गई है। दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती है, और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगे नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? क्यों उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्यों ना अधिकारियों को अब तक बर्खास्त नहीं किया जिन्होंने ये सब चीजें की? क्यों FIR के लिए परिवार को सड़क पे आना पड़ा? उनको चाहिए था कि वो FIR खुद स्वतः जो है संज्ञान लेकर आते। लेकिन दलित हमेशा दलित, कमजोर, पिछड़ा ही रहेगा, और इसका उदाहरण आज हमें लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनकी हर मांग के लिए मैं अधिकारियों से बात करूँगा, और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इसकी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अभी उनकी FIR दर्ज हुई है, उनकी एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और मेरी ये मांग है कि इस परिवार को उचित मुआवजा जिस तरह से हर हत्या पे मिला है। आपके याद होगा कि लखनऊ में पुलिस द्वारा एक विवेक तिवारी जी की हत्या की गई थी, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की दी गई। तो जब न्याय सबके लिए समान है तो मुआवजा भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। इस परिवार का क्या होगा कल के बाद, कौन पूछेगा इन्हें? तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर वो वास्तविकता में कटेंगे बटेंगे नारे को की अहमियत को समझते हैं तो इस परिवार के साथ खड़े होकर आज उसी तरह का न्याय इस परिवार को दिलाया जिस तरह का उन्होंने विवेक तिवारी को दिलवाया, जिस तरह का उन्होंने जो है एक जो वैसे समाज से जो है व्यापारी के साथ जो पुलिस ने घटनाक्रम किया था जिस तरह का उनको दिलाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।